नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायती राज न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। मैनपुर जिले के आदिवासी ब्लॉक मैनपुर के ग्राम पंचायतों के सैकड़ों किसान और आम जनता ईदा गांव में बैंक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग को लेकर आज इंदा गांव पंचायत भवन में बैठक की। इसमें क्षेत्रवासियों की मांग को प्रमुखता से उठाया गया और इस मामले को लेकर जिला कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांग को पूरा करने की बात की गई। बता दें कि जुगाड़ और इंदा गांव थाने को मिलाकर 10 से 15 पंचायत सरपंच और सदस्य की उपस्थिति में बैठक की गई। दूसरी ओर इस इलाके में करीब 30 से 35 आश्रित ग्राम आते हैं। इनमें से विशेष पिछड़ी जनजाति कमारगौड़ भुंजिया के लोग विशेष रूप से निवासरत हैं। सैकड़ों किसान वन अंचलों में खेती किसानी का आजीविका चला रहे हैं। नदी एवं पहाड़ी क्षेत्र से घिरे होने के कारण इस क्षेत्र के ग्रामीणों को किसानों को बैंकिंग कार्य के लिए 40 से 50 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। बता दें कई दिनों से इंदा गांव में बैंक खोलने की और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग लगातार की जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पिछले बार स्थल का भी निरीक्षण किया गया था एवं ग्राम पंचायत इंदा गांव का खाता क्रमांक भी खोला जा चुका था, किंतु बैंक आगे की ओर संचालित नहीं हो पाया, जो कि समझ से परे है। सरकार जनताओं के लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना चाहती है। मिली जानकारी के अनुसार इंदा गांव और जुगाड़ थाना क्षेत्र में करीब 4000 से 5000 जनसंख्या है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी होती है। शासन प्रशासन को इस संबंध में कई बार अवगत कराया गया है, लेकिन शासन प्रशासन से अवगत होने के बावजूद भी आज तक मांग पूरी नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। इस संबंध में जिला उपाध्यक्ष को भी अवगत कराया गया है, लेकिन आज तक भी मांग अधूरी की अधूरी रह गई है, जिसे लेकर ग्रामीणों ने नाराजगी जाहिर की है। सर जी, आपका नाम क्या? सर मेरा नाम पुष्पम कपिल, पूर्व जनपद अध्यक्ष मैनपुर। जी सर, तो जितने भी कहाँ से हो सर? मैं ग्राम कोयवा से हूँ। कोयवा से जी सर, आप बताना चाहिए जो आपने ग्रामीण एवं क्षेत्रीय जो क्या क्या समस्या है सर? यहाँ पे मेन समस्या है एक बैंक का और दूसरा समस्या है हॉस्पिटल का। जी सर, यहाँ पे 25 साल से मांग किया जा रहा है। जी सर, और मैं 2 साल कार्य कर रहा, एक बार जनपद सदस्य बने रहा। जी सर, एक बार मतलब जनपद अध्यक्ष भी बना। तब से मैं भी स्वयं लड़ते हुए आ रहा हूँ, मांग करते हुए आ रहे हैं ग्रामीणों के साथ। जी सर, लेकिन आज शासन के द्वारा अनशन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे हॉस्पिटल होना बहुत जरूरी है समझे, क्योंकि यहाँ पे 40 किलोमीटर तय करना पड़ता है। जैसे जस्ट की पीरियड हुआ और कोई भी मतलब मलेरिया फैला हुआ, उसको बहुत दूर जाना पड़ता है और जाते समय सब रास्ता में भी खत्म हो जाते हैं। यहाँ पर क्षेत्र जितना 15 पंचायत है, सबका कहना है कि इंदा गांव सेंटर है तो यहाँ पे बना जाए हॉस्पिटल। और बैंक भी यहाँ पूर्व में मतलब मांग के थे, यहाँ 80 बैंक पास भी हुआ था, किसी कारणवश से वह नहीं खोल पाए। बस ग्रामीणों का मांग है कि यहाँ पे एक ना एक बैंक खोला जाए, चाहे केंद्रीय चाहे ग्रामीण बैंक हो, चाहे देना बैंक हो, चाहे जिला सहकारिता बैंक हो, कि यहाँ पब्लिक को सुविधा होगा, जैसे आज पेंशनधारियों को। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है यशवंत कुमार मरकाम, जनजागरण मंच जिला गरियाबंद छत्तीसगढ़। कहाँ से सर? कांसर से। कांसर से, जो कि अपने ग्रामीण एवं क्षेत्र का जो क्या क्या समस्या हो रहा है सर? हम लोग यहाँ 10-12 पंचायत के सरपंच, जनप्रतिनिधि, VDC, पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि ग्राम पंचायत इंदा गांव में आज उपस्थित हुए थे। यहाँ इस क्षेत्र की समस्या यह है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की यहाँ अति आवश्यकता, और राष्ट्रीयकृत बैंक या क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या जिला सहकारी बैंक शाखा भी यहाँ अति आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पेंशन हितग्राही, रोजगार गारंटी में कार्य करने वाले मजदूर सभी त्रस्त हो चुके हैं। बैंक जाते हैं, चक्कर काट के आते हैं, पैसा नहीं मिल पाता समय पर, पेंशन हितग्राही तो जा ही नहीं पाते, क्षेत्र के सरपंच सचिव के पास आकर चक्कर काटते रहना पड़ता है। यह क्षेत्र की जनता की समस्या को देखकर यहाँ पूरे क्षेत्र के 10-12 सरपंच, VDC उपस्थित हुए थे, और यह मांग को लेकर कलेक्टर से लेकर मंत्री तक का अवगत कराएंगे और वहां तक का मांग को पूरा करने के लिए मांग किया जाएगा। जी सर, धन्यवाद सर। सर जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक मंडावी है, मैं जनपद सदस्य हूँ, क्षेत्र क्रमांक 8 से, जनपद पंचायत मैनपुर। हाँ जी सर जी, आपके जो ग्रामीण एवं जो क्षेत्र की समस्या क्या क्या है? देखिए, हम लोग यहाँ लगभग हमारे जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे कमार भुंजिया जनजाति के लोग निवास करते हैं और यहाँ पे मूलभूत समस्या वर्षों से है। तो हम लोग यहाँ पे, आप लोग जैसे अभी NH 130 से आए होंगे, रास्ता का हालत देखे होंगे। तो जी सर, हमारी जो समस्या है, यहाँ पे एक राष्ट्रीयकृत बैंक हो जाए
बैंक के लिए लगभग हम लोग 40-50 किलोमीटर का सफ़र हम लोगों को तय करना पड़ता है। ऊपर से शासन के द्वारा शासन के जितने भी समस्त योजनाएं हैं सभी योजनाओं का पैसा खाते में डाला जा रहा है। पेंशन DBT के माध्यम से वो भी खाता में आ रहा है, तो वृद्ध जने हैं उनको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए हम शासन से पूर्व में भी हम लोग यहाँ मांग किया गया था हम लोगों के द्वारा, ICICI बैंक का स्वीकृत हो भी गया था किंतु कारणवश वह खुल नहीं पाया। तो हम पुनः जो क्षेत्र के हमारे आसपास 12 पंचायत के लोग हैं आज हमारे द्वारा चर्चा किया गया और इस मांग को जो स्वास्थ्य विभाग है और जो हमारा प्रमुख मांग बैंक का इसको लेकर के हम मांग को लेकर राजधानी तक का सफर तय करने हैं। तो अभी जितने भी नेता प्रतिनिधि जनप्रतिनिधि को अवगत करा चुके हैं कि कैसे कि नहीं किए हैं? हाँ, पूर्व में भी हम लोग हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं सांसद हैं सभी से हम लोग अवगत कराते हुए आ रहे हैं और अभी भी उनको अवगत कराया गया था किंतु यहाँ फाइल जाता है वो दफ्तर में दब के ही रह जाता है, प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो आप अवगत कराने के बाद विधायक या जनप्रतिनिधि या कोई भी जो प्रतिनिधि है तो उसके द्वारा क्या जवाब देता है, जो अधिकारी के द्वारा या विधायक जनप्रतिनिधि के द्वारा? उनके द्वारा केवल आश्वासन ही दिया गया है आज तक और जो जमीनी स्तर पर है वो कार्य अभी तक अधूरा है। जी सर जी, धन्यवाद।